एक सेक्टर डेवलपमेंट के एक्सपर्ट के हवाले से मेरी हमेशा ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने मुल्क में जो सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ के जो सेक्टर्स हैं जिनमें वो काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग, उनकी डेवलपमेंट के लिए या उनकी डेवलपमेंट के रास्ते में जो चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसको उन चैलेंजेस के को ओवरकम करने के लिए, उनके ऊपर अबूर हासिल करने के लिए, उनको उन चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज जो है उन पर डिस्कशन करें। कभी भी ये मकसद नहीं होता कि हम किसी चीज़ पे एतराज़ करें और उस एतराज़ को सिर्फ एतराज़ के तौर पे ही रखा जाए। चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना और उनके मुताबिक स्ट्रेटजीज को प्रपोज करना, ये एक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपर्ट का काम है। तो उसी ट्रेडिशन को सामने रखते हुए मैं आज का ये वीलॉग कर रहा हूँ, जो कि बुनियादी तौर पे एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर है, वो है एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर, लाइफ स्टॉक या फिशरीज़ के अंदर फार्मर्स को दी जाती हैं, ताकि फार्मर्स अपने प्रोडक्टिविटी को, अपनी मैनेजमेंट को, अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें और उसके नतीजे में अपनी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ा सकें, अपनी यील्ड को बढ़ा सकें। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला यही है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। मैं आज का जो ब्लॉग है ये ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक के हवाले से कर रहा हूँ। तो अगर लाइफ स्टॉक को देखा जाए तो जो हमारे मुल्क में मौजूद जानवर हैं, जितना दूध हमारी मुल्क में मौजूद, हमारे गाँव में मौजूद एक काऊ दे या एक पफलो देती है, एक भैंस या एक गाय देती है 6 किलो 8 किलो, ये बहुत कम है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में 25-30 किलो तक जो है रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी गाय, उनकी भैंसें दूध देती हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हमारी इन्वायरमेंट में या हमारी ब्रीड में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो अच्छे और प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जिनकी नॉलेज, जिनकी स्किल, जिनकी नो हाउ जो है, जिनके पास मौजूद जानवर जो हैं वो बेहतर हैं, जिनके पास मौजूद एक्सेस है अच्छी फीड तक, अच्छी खुराक तक, अच्छी वैक्सीन तक, वो भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी लेते हैं जितनी प्रोडक्टिविटी जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में एक फार्मर ले रहा है। तो प्रॉब्लम हमारी इन्वायरमेंट में नहीं है, बल्कि इस चीज़ में है कि हमारे आम फार्मर्स को, हमारे छोटे फार्मर्स को इस बात का पता ही नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बेहतर की कैसे जाती है। ये ट्रेनिंग देना, ये स्किल डेवलप करना, ये नो हाउ देना फार्मर को, ये एक्सटेंशन सर्विसेज का काम है। हमारे मुल्क में एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी कि पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, सिंध में सिंध की गवर्नमेंट और उनका लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, केपी में और इस तरह बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट और उनका लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, ये सर्विसेज फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। इस वक्त हमारा चैलेंज ये है कि जिस वक्त इन इदारों को तरतीब दिया जा रहा था पार्टीशन के टाइम पे या उसके बाद, तो उस वक्त हमारे मुल्क में हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि जब कोई जानवर बीमार हो जाता है तो वो उसको बचाना मुश्किल होता है। तो शायद ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये जो हमारे मुल्क की एक्सटेंशन सर्विसेज है लाइफ स्टॉक के अंदर, ये हेल्थ सर्विसेज के तौर पे जाएं और वहाँ जाके फार्मर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करें ताकि उनके बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके। वक्त के साथ प्राइवेट सेक्टर में ये सर्विसेज अवेलेबल हो गई और लोगों ने पब्लिक सेक्टर यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी तरफ रुख करना बंद कर दिया, जिससे एक नुकसान तो ये हुआ कि हमारे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी यूटिलिटी कम होती गई, क्योंकि लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखने शुरू हो गए। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो एक्सटेंशन सर्विसेज का एक ब्रॉडर मकसद था कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, वो शायद हम हासिल करने के लिए आज गियर्ड अप नहीं है। मैं इसकी मिसाल इस तरीके से दूंगा कि जब आपने किसी भी चीज़ से परफॉर्मेंस लेनी होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है, उससे पीक परफॉर्मेंस लेनी होती है, मिसाल के तौर पर अगर हम क्रिकेट को देखें, तो अगर हमने अपने क्रिकेट के खिलाड़ियों से पीक परफॉर्मेंस लेनी है तो वहाँ पर हमें उन्हें कोच प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो उनको उनकी बैटिंग के तरीके को ठीक कर सकें, उनकी रनअप को बेहतर कर सकें, उनकी बॉलिंग को बेहतर कर सकें, उनकी ग्रिप को, हर चीज़ को मॉनिटर करें और उनको ट्रेनिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू बेहतर कर सकें। हम उनको फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं जो कि उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें,
हम उनको न्यूट्रिशनिस्ट देते हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ वो खा रहे हैं वो बेहतर से बेहतर है। तो इस तरीके से हम उनसे पीक परफॉर्मेंस हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पीसीबी हमारे मुल्क के खिलाड़ियों को ये कहे कि नहीं जी हम कोचेस तो नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, हम न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल होगा कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर की सर्विसेज अवेलेबल होंगी, तो शायद इस तरीके से हम अपने खिलाड़ियों से बेहतर परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी की दूसरी मिसाल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जब हम बहैसियत कौम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, अपने बच्चों को इससे चाहते हैं कि वो दुनिया में जाएं और पीक परफॉर्मेंस दें, हमारे मुल्क से हमारे पाकिस्तानी बच्चे ट्रेनिंग हासिल करके, एजुकेशन हासिल करके दुनिया में जाएं, साइंटिस्ट बने, उस हमारे लोग आईटी की फील्ड में अपना नाम बनाएं, दुनिया के जो दूसरे शोबे हैं उनमें जाएं और अपना नाम बनाएं, और हम इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं जब हमारा कोई पाकिस्तानी किसी बड़े अदारे के अंदर दुनिया के कोई अचीवमेंट हासिल करता है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं जी गवर्नमेंट जो है वो तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है हेल्थ सर्विसेज देना है और एजुकेशन देना नहीं है, हमें स्कूलों को नहीं बनाना, हमें कॉलेजों में नहीं को अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे हम अपने मुल्क की सेहत को तो ऑब्वियसली इंश्योर कर लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों से अपने रिसोर्सेज से पीक परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मेरी राय में हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं, और मैं लाइफ स्टॉक के हवाले से ख़ास तौर पर ये बात कर रहा हूँ, उस पर हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि अगर प्रोडक्टिविटी पे हमने फोकस करना है, अगर पीक परफॉर्मेंस हमने लेनी है, तो क्या हमें हेल्थ सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी चाहिए या हमें ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, कोचिंग, एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की सर्विसेज की तरफ भी देखना चाहिए ताकि हम अपने फार्मर्स को ट्रेन कर सकें कि वो अपने जानवरों से ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी कैसे ले सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीलॉग या मेरे बाकी के वीलॉग कैसे लगते हैं, ताकि मैं अपने कंटेंट को, अपने प्रोग्राम्स को आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सकूँ। शुक्रिया।